छाती और गले में जमा कफ निकाल कर काली और सूखी खांसी को भी दूर कर देगी यह चीज। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल हेल्थ हिंदू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं हेल्थ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बदलते मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें खांसी, जुकाम या छाती में बलगम जमने की समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाए और उनका पीछा ना छोड़े तो ऐसे में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो जुकाम, खांसी, सर्दी, गले की खराश, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर हम दवाइयां लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। यदि आप इन समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार बार एंटीबायोटिक दवाइयां खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह दवाइयां आपके भीतरी अंगों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक घरेलू उपचार ऐसे में कारगर साबित होते हैं जो संक्रमण से बचाते हैं और शरीर में किसी भी अंग को नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक काढ़ा बताने वाले हैं। इस काढ़े से इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह काढ़ा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और होने वाले संक्रमण से बचाता है। इसे तैयार करने के लिए आपको अदरक, शहद, तुलसी के पत्ते जैसे चीज़ों की ज़रूरत होगी। काढ़ा बनाने का तरीका। पहला तरीका, आप काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और अदरक को एक साथ पीस लें और उन्हें पानी में उबाल लें। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। यह काढ़ा सर्दी खांसी के लिए अद्भुत है। दूसरा तरीका, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर एक कप पानी में उबाल लें और एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। तीसरा तरीका, एक कप पानी में गिलोय को लगभग आधा चम्मच पीस लें। यह काढ़ा पाचन को ठीक करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह फ्लू के लक्षण से भी लड़ता है। नमक का पानी और बेकिंग सोडा भी सर्दी खांसी और बलगम को निकालने में सहायक है। यदि आप दिन में 2-3 बार नमक के पानी के गरारे या बेकिंग सोडा मिलाकर गरारे करते हैं तो इससे छाती में जमा बलगम खांसी जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं।